एनसीसी भर्ती में पूछेगा प्रश्न कौन बनेगा आज का विनर। तो आज के क्लास में फ्री मॉडल पेपर 9 होगा, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और मात्र टाइम 50 मिनट्स, 70 मार्क्स का होगा टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद, जरूर नए होंगे तेजस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। टाइम शुरू हो चुका है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा और आपका टाइम इधर चल रहा है बगल में, तो लिमिट टाइम आंसर बताना है। टेस्ट आप पूरा देंगे यानी 70 क्वेश्चन का आप टेस्ट देकर बताएंगे कितना सही। 70 में 70 सही मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स है। चलिए फास्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड? टाइम अप। तो पूरी दुनिया का यानी विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी वाले सी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, या फिर ऑप्शन डी क्रिकेट। टाइम शुरू हो चुका है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ द इंडिया? ऑप्शन फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, या फिर क्रिकेट। और डेली आपकी क्लास शाम में 8 बजे भी होती है और फुल फुल ईयर चलती है। चलिए टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो ऑप्शन बी वाले से ये हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। टाइम शुरू हो चुका है, हु इस्टेब्लिश्ड आजाद हिंद फौज? ऑप्शन आपके सामने है, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। टाइम अप। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन बी वाले से बोस जी ने। नेक्स्ट फोर नंबर, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी थॉमस अल्वा एडिसन ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो गैलीली ने। टाइम शुरू हो चुका है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंट थर्मामीटर? अभी तक अपना 100% रिजल्ट है क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके आते हैं। टोटल मैंने आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भर्ती के 1600 से भी ज्यादा बताए, तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे तभी आपके सेम क्वेश्चन आएंगे। चलिए टाइम अप। तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, ऑप्शन डी वाले सी गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। टाइम शुरू हो चुका है, एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है बांझपन, स्टेरिलिटी का मतलब होता है, और एंटी मतलब उसको दूर करने वाला, कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या फिर विटामिन ई। चलिए फास्ट टाइम अप। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ई होता है, ऑप्शन डी वाले सी विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मीराबाई चानू ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी सिल्वर मेडल, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है, टेस्ट आप पूरा देंगे यानी 70 क्वेश्चन, और कितना सही करते हैं लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। 70 में 70 सही मतलब आपका सिलेक्शन फिक्स, और सेम क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट आएंगे ऑल इंडिया में। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में कौन सा मेडल? चलिए जल्दी टाइम अप। तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है यानी रजत पदक, ऑप्शन सी वाले सी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, WWW यानी WWW का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर ऑप्शन डी वर्स्ट वाइड वेब। टाइम शुरू हो चुका है,
फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। फुल फॉर्म में आपको काफी ध्यान देना है, नहीं तो फिर थोड़ा मिस्टेक और गलत। चलिए फास्ट टाइम अप। तो ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन सी वाले सही है, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी सीडीएस, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। टाइम शुरू हो चुका है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर, जनरल यानी आर्मी चीफ, सीडीएस, या फिर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चलिए टाइम अप। तो तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयर और नेवी तीनों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन डी वाले सही है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। टाइम शुरू हो चुका है। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से बताएं। ऑप्शन है उत्तराखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर सिक्किम में। चलिए फास्ट टाइम अप। अरावली पर्वत राजस्थान में है, ऑप्शन बी वाले सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। टाइम शुरू हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा, तो किस टीम ने सबसे ज्यादा टाइम्स विन किया? ऑप्शन है फ्रांस ने, बी ब्राजील ने, सी अमेरिका ने, या फिर इंग्लैंड ने। चलिए फास्ट टाइम अप। तो आपको लिमिट टाइम में आंसर बताना है। तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है, ऑप्शन बी वाले सी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एनएएसए नासा का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी नेशनल आर्मी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन डी नेशनल आर्म्ड एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम शुरू हो चुका। तो नासा का फुल फॉर्म बताइएगा, ये बहुत जगह पूछता है, इस सब मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको ओरिजिनल है, इसलिए आप टेस्ट पूरा देंगे और याद भी करते रहेंगे। टेलीग्राम पर ग्रुप है जिसमें मैं सारे मॉडल पर डेली सेंड करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 12, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी आर्कटिक, या फिर ऑप्शन डी गोबी। टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पर कहाँ की जगह ऑप्शन के थ्रू अब आपको बताना है, यहाँ पे कौन, कहाँ की जगह कौन होगा, ठीक है, कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, वो मिस्टेक होगा जिसने पूछा होगा, बट आप ऑप्शन जैसा होगा वो इसी तरह से आंसर बताएंगे। चलिए फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए टाइम अप। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, तो ए वाले सही है। नेक्स्ट 13, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रसगुल्ला, ऑप्शन बी पेड़ा, ऑप्शन सी जलेबी, या फिर ऑप्शन डी लड्डू। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया? ऑप्शन रसगुल्ला, पेड़ा, जलेबी, या फिर लड्डू। इसका आंसर सभी का 100% सही होना चाहिए, और ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है, और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए टाइम अप। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, ऑप्शन सी वाले सही, सब लोग अभी सही हो, जलेबी। 14 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप,
ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या फिर ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। टाइम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? चलिए फास्ट। और एक सेकेंड, चलिए टाइम अप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑप्शन सी वाले सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी जापान। टाइम शुरू हो चुका है। महिला फीफा वर्ल्ड कप यानी वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 अंडर 17 किस देश में होगा? ऑप्शन चीन, भारत फ्रांस, सॉरी बी फ्रांस, सी भारत, या फिर डी जापान। टाइम अप। तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस बार अंडर 17 की मेजबानी भारत कर रहा है, यानी भारत के ओडिशा में होगा, भुवनेश्वर में, ऑप्शन सी वाले सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का दो कोण क्रमशः 65 डिग्री और 50 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताओ। ऑप्शन है 65 डिग्री, ऑप्शन बी 75 डिग्री, ऑप्शन सी 85 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 95 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, भर्ती में। तो तीनों एंगल का सम होता है ट्रेंगल का 180, दो एंगल दिया है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 5। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जल्दी से कैलकुलेट करें सभी लोग, कितना होगा थर्ड एंगल। चलिए टाइम आओ, तो थर्ड एंगल होगा 65 यानी 65 डिग्री, डिग्री भी लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ए वाले सी 65 डिग्री। नेक्स्ट 17, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 7 राज्यों से, या फिर ऑप्शन डी 10 राज्यों से। टाइम शुरू हो चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 7 राज्यों से, या फिर 10 राज्यों से। टाइम अप। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी वाले से 8। नेक्स्ट 18 नंबर, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी किनारे, ऑप्शन बी यमुना नदी किनारे, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, या फिर ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे। टाइम शुरू हो चुका है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि फेमस जगह है अयोध्या। ऑप्शन गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर सरयू नदी के किनारे। टाइम अप। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा, ऑप्शन डी वाले सी। इसमें काफी लोग गंगा नदी लिख रहे, तो आप लोग पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। टाइम शुरू हो चुका। मतलब जो 50 ओवर का क्रिकेट वाला जो वर्ल्ड कप मैच होता है, उस सबसे ज्यादा टाइम्स किस देश ने जीता? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर इंग्लैंड। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा जीतने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन बी वाले सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 19, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2020 में, या फिर ऑप्शन डी 2010 में। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, टेस्ट पूरा देना है, ठीक है, 70 का 70, क्योंकि 50 मिनट में 70 क्वेश्चन, वो भी लिमिट टाइम में, तो इससे आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। 50 मिनट 70 क्वेश्चन, ठीक है, 20 सेकंड मात्र एक क्वेश्चन के लिए, इधर टाइम चल रहा है। चलिए फास्ट।
टाइम अप। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया, ऑप्शन ए वाले सी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? ऑप्शन ए 58 सेकंड में, ऑप्शन बी 60 सेकंड में, ऑप्शन सी 52 सेकंड में, या फिर ऑप्शन डी 45 सेकंड में। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रगान यानी अपना जो नेशनल एंथम जनगण मना है कितने सेकंड में गाया जाता है? इसका आंसर सबका परफेक्ट होना चाहिए 100%। जो भी गलत करेगा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। चलिए फास्ट, राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? टाइम अप। तो राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, ऑप्शन सी वाले सी 52 सेकंड। नेक्स्ट 21, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी प्लेग, या फिर ऑप्शन डी बेरी बेरी। टाइम शुरू हो चुका है। विच डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी? ऑप्शन ए अश्कर्वी, रेबीज, प्लेग, या फिर बेरी बेरी। बहुत इजी है, सबका सही होना चाहिए। टाइम अप। तो विटामिन बी से बेरी बेरी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बेरी बेरी, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 22 नंबर, 2022 कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ? देश पूछा है। ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी फ्रांस में, या फिर ऑप्शन डी जापान में। टाइम शुरू हो चुका है। 2022 कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ? मोस्ट वीवीआई करंट अफेयर्स, सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, या फिर जापान। टाइम अप। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम ये इंग्लैंड में हुआ, ऑप्शन ए वाली सी इंग्लैंड। अगर जगह पूछे तो बर्मिंघम। नेक्स्ट 23 मैथमेटिकल क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण बता। ऑप्शन ए 70 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री। टाइम शुरू हो चुका है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल आर 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, देन फाइंड द थर्ड एंगल। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 70 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, या फिर 90 डिग्री। टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 यानी 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी वाले सी 60 डिग्री। नेक्स्ट 24, संविधान कब बना था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर रेडी हुआ? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, और 4 सेकंड है, लिमिट टाइम है आंसर। चलिए टाइम अप। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 25, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए खो खो से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी कुश्ती से, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन से। टाइम शुरू हो चुका है। बजरंग पुनिया रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन खो खो से, क्रिकेट से, कुश्ती से, या फिर बैडमिंटन से। चलिए टाइम अप। तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है यानी रेसलिंग, तो ऑप्शन सी वाले सी कुश्ती से। नेक्स्ट 26 नंबर, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को, या फिर ऑप्शन डी 30 मार्च को। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट, 70 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट देखिए, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितना सही है, ठीक है?
उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। लिमिट टाइम में जब आप टेस्ट देते तो आपको पता चलता है परफेक्ट कि भाई आप कितना तैयारी कर लिए, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है पूरा मन से। चले टाइम अब तो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे प्रत्येक वर्ष 30 मार्च यानी 30 मार्च को मनाते हैं, तो ऑप्शन डी वाले सी 30 मार्च को। नेक्स्ट 27 नंबर, सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। टाइम शुरू हो चुका है। सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, या फिर राजस्थान में। चलिए टाइम अप। तो सिंधु घाटी पंजाब में स्थित है, तो ऑप्शन बी वाले सी पंजाब। नेक्स्ट 28 नंबर, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1979 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1965 में, या फिर ऑप्शन डी 1969 में। टाइम शुरू हो चुका है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इसरो एस्टेब्लिश्ड? चलिए फास्ट, और इसरो का फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछता है। टाइम अप। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, तो ऑप्शन डी वाले से 1969 में। नेक्स्ट 29 नंबर, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। ऑप्शन ए कैप्टन, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी फील्ड मार्शल, या फिर ऑप्शन डी जनरल। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? जल्दी से बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइम ऑफ। तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है, तो ऑप्शन डी वाले सही है जनरल। नेक्स्ट 30 नंबर, गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन फकीर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। टाइम शुरू हो चुका है। गीतांजलि के लेखक कौन है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। चलिए फास्ट, यानी गीतांजलि किसने लिखा? ऑप्शन आपके सामने है। टाइम अप। तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, तो ऑप्शन बी वाले सही है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 31, SIM सीम का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ऑप्शन बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ऑप्शन सी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, या फिर ऑप्शन डी सब्सटेंस आइडेंटिटी मॉड्यूल। टाइम शुरू हो चुका है। फुल फॉर्म ऑफ सीम, सभी लोग जल्दी से बताएं। SIM सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म आपको काफी अच्छे से देखना है, ये तो थोड़ा सा गलत करेंगे फंस जाएंगे। चलिए फास्ट, गुड जोश। चलिए टाइम अप। तो सीम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 32, NCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी शिमला में, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NCC? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। NCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए फास्ट, गुड जॉब। टाइम अप। तो NCC का हेडक्वार्टर दिल्ली में, सबका सही है, ऑप्शन डी वाले सी है दिल्ली। नेक्स्ट 33, UNO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में।
टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इवेनो, इसका फुल फॉर्म याद है ना, पूछता है इवेनो से रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन है। चलिए फास्ट, ऑप्शन दिल्ली में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में या फिर न्यूयॉर्क में। चलिए टाइम ऑफ, तो इवेनो का मुख्यालय नहीं हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन डी वाले से ये न्यूयॉर्क। नेक्स्ट 34, ग्रेविटी की खोज किसने किया, ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन ने। टाइम शुरू हो चुका। हु इन्वेंट ग्रेविटी, मतलब वही है ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया। तो क्वेश्चन दोनों तीनों तरह से कैसे भी पूछेगा आप फंसेंगे नहीं। ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम ने, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने या फिर आइंस्टीन ने। चलिए टाइम आउट, तो ग्रेविटी की खोज सर आइजक न्यूटन ने किया था, तो ऑप्शन सी वाले से न्यूटन। नेक्स्ट 35, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ, ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी तोता या फिर ऑप्शन डी कबूतर। टाइम शुरू हो चुका। राइट द नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, बच्चा वाला क्वेश्चन और ये भी बहुत जगह इसे पूछता है, सब बेबी टाइप क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, कोयल, मोर, तोता या फिर कबूतर। चलिए जल्दी, नो टाइम वेस्ट, टाइम अप। तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पिकॉक है, तो ऑप्शन बी वाले से ये मोर। नेक्स्ट 36, गोवा की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी पणजी। टाइम शुरू हो चुका है। इतना इजी क्वेश्चन आएगा राजधानी, और आप में से कुछ लोग को राजधानी भी नहीं आता, और ये पूछता है एग्जाम, इसलिए पढ़ाना पड़ता है, मतलब वो इतना पढ़ते हैं कि उनको राजधानी भी नहीं आता। चलिए आंसर बताए सभी लोग। वेयर इज द कैपिटल ऑफ गोवा, टाइम ऑफ, ठीक है लगभग सभी लोग, गोवा की राजधानी पणजी है, ऑप्शन डी वाले सी पणजी। नेक्स्ट 37, इसरो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी कोलकाता में या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, हैदराबाद, कोलकाता में या फिर लखनऊ में। चलिए टाइम ऑफ, तो इसरो का मुख्यालय नहीं हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, यानी बेंगलोर, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 38, 1999 में प्रधानमंत्री कौन बना, मतलब भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे इस ईयर में, ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। टाइम शुरू हो चुका। 1999 में प्रधानमंत्री कौन बना था, चलिए फास्ट, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी, नेहरू जी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए टाइम ऑफ, तो 1999 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 39, विश्व में कुल कितने देश हैं, ऑप्शन ए 220 देश, ऑप्शन बी 230 देश, ऑप्शन सी 195 देश या फिर ऑप्शन डी 165 देश। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट आर द नंबर ऑफ कंट्रीज ओवर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं, ऑप्शन आपके सामने है 220 देश, 230 देश, 195 देश या फिर 165। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं, ऑप्शन सी वाले सी 195। 40, हैदराबाद कौन से राज्य में पड़ता है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी राजस्थान में
या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। टाइम शुरू हो चुका है। हैदराबाद कौन से राज्य में पड़ता है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। टाइम अप। तो हैदराबाद तेलंगाना में है और ये तेलंगाना की राजधानी है, तो ऑप्शन बी वाला सी तेलंगाना। नेक्स्ट 41। परमाणु बम का परीक्षण भारत में कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान के पोखरण में, ऑप्शन बी राजस्थान के उधमपुर में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के मुंबई में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। टाइम शुरू हो चुका है। सभी लोग जल्दी से बताएंगे। और ये मूवी भी एक परमाणु, तो आप उसमें भी देखे होंगे तो आपको पता होगा परमाणु बम का परीक्षण बहुत मुश्किल से किया गया था, क्योंकि तो अमेरिका और बाकी देश नजरें जमाए हुए थे। चलिए फास्ट टाइम अप। तो परमाणु बम का परीक्षण भारत में राजस्थान के पोखरण में हुआ था, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 42। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 5 + 6 × 2 − 2 = what? सॉल्व इट। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 15। टाइम शुरू हो चुका है। अब इसमें भी कुछ लोग फंस जाएंगे, इतना ही आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं आएगा तो भाई आपको कौन एनसीसी देगा और कुछ भी। 5 + 6 × 2 − 2 कितना होगा? पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल है 6 × 2 = 12, फिर −2 है। अब कोई भी कर दो, पहले मन किया तो पहले प्लस कर दो, मन किया तो माइनस कर दो, 12 में से 2 − 10 + 5 = 15। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी यानी 15 आया, आप लोग सही 15 होगा। 43। WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1947 को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1950 को, ऑप्शन सी 7 अप्रैल 1948 को या फिर ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1952 को। टाइम शुरू हो चुका है। WHO की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है 1947, 1950, 1948 या फिर 1952, और डेट 7 अप्रैल ही है। चलिए फास्ट टाइम अप। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 44। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटका में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी कोलकाता में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडिया? इसमें तो आप में से 99% गलत ही होने वाले, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं करते होंगे या फिर नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको अपडेट किया था। चलिए फास्ट, ये भी नया नया बना, उत्तर प्रदेश वाले गलत हो तो ध्यान दी, इसलिए बोलता हूँ आप सारे मॉडल पर पढ़ते रहें, सब करंट अफेयर्स है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी नया नया बना है कर्नाटक में, जो कि हुबली जंक्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी वाले सही। बाकी आप लोग जो अभी पढ़ेंगे बाद में वो लोग भी सर्च करते रहेंगे, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट 45। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 8 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 6 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 12 खिलाड़ी या फिर ऑप्शन डी 11 खिलाड़ी। टाइम शुरू हो चुका है। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन अ टीम ऑफ वॉलीबॉल? चलिए जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप में से काफी लोग वॉलीबॉल खेलते भी होंगे। ऑप्शन 8 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी या फिर 11 खिलाड़ी। तो वॉलीबॉल के एक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, ऑप्शन बी वाले सी 6 प्लेयर्स। नेक्स्ट 46। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम लिखें। ऑप्शन ए महावीर चक्र, ऑप्शन बी शौर्य चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र या फिर ऑप्शन डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी सबसे बड़ा बहादुरी का पुरस्कार भारत में कौन सा है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए फास्ट, बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, लिमिट टाइम के अंदर
महावीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र? चिलटा मॉप। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसको शॉर्ट में पीवीसी भी लिखते हैं। ऑप्शन सी वाले सी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट 47 नंबर, कौन सा महत्वपूर्ण बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए पास किया गया? ऑप्शन ए शिक्षा संबंधी बिल, ऑप्शन बी नौकरी संबंधी बिल, ऑप्शन सी खेल संबंधी बिल, या फिर ऑप्शन डी 3 तलाक बिल। टाइम शुरू हो चुका है। कौन सा महत्वपूर्ण बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए पास किया गया? ऑप्शन ए शिक्षा संबंधी बिल, नौकरी संबंधी, खेल संबंधी या फिर 3 तलाक। चिलटामो। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए अभी हाल ही में 3 तलाक बिल पास किया गया, तो ऑप्शन डी वाले सी है, 3 तलाक। नेक्स्ट 48 नंबर, नागालैंड की राजधानी लिखो। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी दिसपुर। टाइम शुरू हो चुका है। राजधानी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। लिमिट टाइम है, टाइम इधर 20 सेकेंड। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? सभी लोग जल्दी से बताएंगे, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? चलिए फास्ट, टाइम अप। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ऑप्शन बी वाले सही, कोहिमा। नेक्स्ट 49, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। टाइम शुरू हो चुका है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, ऑप्शन ए वाले सही, लद्दाख में। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति का नाम लिखें। ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, या फिर ऑप्शन डी कल्पना चावला। टाइम शुरू हो चुका है। क्वेश्चन समझिएगा और फिर आंसर बताइएगा। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का यानी पूरी दुनिया का प्रथम व्यक्ति का नाम लिखे। ऑप्शन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा या फिर कल्पना चावला। चलो टाइम अप। तो चांद पर सबसे पहले पूरी दुनिया के पहले व्यक्ति जो उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ऑप्शन ए वाले से नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट 51, WHO की का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन में, या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? क्लास पूरा करना है, ठीक है, अगर आपको NCC लेनी है तो, क्योंकि लिमिट टाइम है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं आपका तैयारी करने का। 20 सेकेंड मिलता है और 70 क्वेश्चन 50 मिनट में, 1 घंटा भी नहीं लगता। चलिए जल्दी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? टाइम अप। तो WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, ऑप्शन डी वाले सी है, जिनेवा। नेक्स्ट 52 नंबर, मैथमेटिकल रीजनिंग है 1957, 171, 513, तो नेक्स्ट यानी अगला संख्या क्या है? ऑप्शन है 1549, ऑप्शन बी 1639, ऑप्शन सी 1539, या फिर ऑप्शन डी 1739। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं बता रहा, तब तक आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा, कौन जल्दी करता है। 171 513, इसका सीक्वेंस क्या है भाई? 19 में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 57 में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 3 3 9, 3 5 3 15, यानी 1539 किसका किसका आया? तो 1539 यानी ऑप्शन सी वाले सही है, तो सोल्यूशन आना चाहिए। 53, CRPF का फुल फॉर्म लिखो। ऑप्शन है
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी कमांड रिजर्व पुलिस फोर्स, या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फाइनेंस। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ? ऑप्शन आपके सामने है, और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तेजस चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप एनसीसी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए टाइम आओ, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 54 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम लिखें। ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइम शुरू हो चुका है। वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, इसमें से एशिया हटा दिया है। क्वेश्चन वही है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति का नाम लिखें, तो क्वेश्चन को समझना है, फंसना नहीं है। चलिए फास्ट, गुड जोश। चलिए टाइम ऑफ, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 55 नंबर, भारत की लोवलीना बोरगोहेन को 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला? ऑप्शन ए कबड्डी में, ऑप्शन बी कुश्ती में, ऑप्शन सी बॉक्सिंग में, या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन में। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। भारत की लोवलीना बोरगोहेन को 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला? कबड्डी में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, या फिर बैडमिंटन में? चलिए टाइम ऑफ, तो लोवलीना बोरगोहेन को 2020 टोक्यो में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला यानी कांस्य पदक, तो ऑप्शन सी वाले सही है। 56 नंबर, मैथमेटिकल क्वेश्चन इजी है। यदि 5 किताबों का मूल्य 120 रुपये है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 170 रुपया, ऑप्शन बी 168 रुपया, ऑप्शन सी 180 रुपया, या फिर ऑप्शन डी 268 रुपया। टाइम शुरू हो चुका है, आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। कौन पहले सॉल्व करता है 20 सेकंड के अंदर? 5 का 120 है तो एक किताब का मूल्य, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5×2=24 रुपीज़ होगा, अब 7 किताबों का पूछा है तो 24 में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7×4=28, तो 2×7×2=14 और 2×16, तो 168 किसका किसका आया? तो करेक्ट आंसर है 168 रुपये, ऑप्शन बी वाले सही है। 57, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, या फिर ऑप्शन डी संतरा। टाइम शुरू हो चुका। विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ द इंडिया? चलिए फास्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सबका सही होना चाहिए, सेब, आम, केला या फिर संतरा, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइम अप, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम यानी मैंगो है, आप में से बहुत का फेवरेट भी होगा, तो बी वाले सही आम। नेक्स्ट 58 नंबर, भारत और चीन के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1965 में, या फिर ऑप्शन डी 1971 में। टाइम शुरू हो चुका है। इंडिया और चाइना का प्रथम युद्ध पूछा है, ये आपको फंसाने के लिए प्रथम लिख दिया, तो आप समझ रहे होंगे अब तक चाइना से एक ही बार तो युद्ध हुआ है, तो प्रथम और द्वितीय कहाँ? फर्स्ट ही हुआ एक ही बार, तो इसमें फंसना नहीं है। चलिए फास्ट, पाकिस्तान से 4 बार हुआ है, ऑप्शन दिया गया है, जल्दी। चलिए टाइम ऑफ, तो भारत और चीन के बीच प्रथम युद्ध 1962 में हुआ, जो कि एक ही बार हुआ है, तो ऑप्शन बी वाले से 1962, इसमें भी काफ़ी लोग गलत हैं। 59, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 को, या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1945 को। टाइम शुरू हो चुका है।
व्हेन वाज यूएनओ एस्टेब्लिश्ड, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, और यूएनओ काम क्या करती है ये भी क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग आंसर में। चलिए फास्ट ऑप्शन आपके सामने है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? गुड जोश। चलिए टाइम ऑफ, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट 60 नंबर, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। टाइम शुरू हो चुका। विच इज द ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया? गंगा नदी, सोन नदी, यमुना नदी, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए टाइम ऑफ, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी काफी लोग गंगा नदी लिख रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे चौड़ी नदी, ऑप्शन डी वाले से ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट 61, दिल्ली से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। टाइम शुरू हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो नहीं पढ़ते आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो लास्ट में बताना है आपको कि 70 में कितना सही आप कर रहे हैं। चलिए जल्दी, गंगा नदी, सोन नदी, यमुना, फिर ब्रह्मपुत्र। अरे भाई दिल्ली किस नदी किनारे बसा है यही तो बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली से यमुना नदी गुजरती है, ऑप्शन सी वाले से यमुना। नेक्स्ट 62, कॉमनवेल्थ 2022 में महिला बॉक्सिंग में कौन गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहेन ने, ऑप्शन बी मीराबाई चानू ने, ऑप्शन सी नीतू निखत जरीन ने, या फिर ऑप्शन डी बजरंग पुनिया ने। टाइम शुरू हो चुका। अभी जो कॉमनवेल्थ 2022 का हुआ, इसमें महिला बॉक्सिंग में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए लवलीना बोरगोहेन ने, मीराबाई चानू ने, नीतू निखत जरीन ने, या फिर बजरंग पुनिया ने। चलिए टाइम ऑफ, तो 2022 महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल नीतू निखत जरीन ने जीता, ऑप्शन सी वाले से निखत जरीन। नेक्स्ट 63, नोटबंदी कब हुआ था? ऑप्शन ए 8 नवंबर 2020 को, ऑप्शन बी 16 नवंबर 2019 को, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 2020 को, या फिर ऑप्शन डी 8 नवंबर 2016 को। टाइम शुरू हो चुका। मोदी जी ने नोटबंदी कब किया था, डेट के साथ याद होना चाहिए। चलिए फास्ट, ऑप्शन 8 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2019, 10 अक्टूबर 2020, या फिर 8 नवंबर 2016 को। गुड जॉश। चलिए टाइम अप, तो नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को, तो ऑप्शन डी वाले सही। नेक्स्ट 64, भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी दादर नगर हवेली और दमन दीव, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। टाइम शुरू हो चुका। भारत का सबसे नया टेरिटरी कौन सा है? इसमें तो काफ़ी लोग जो लोग नहीं पढ़े रेगुलर क्लास नहीं करते आप लोग फंसेंगे क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में से कोई लिखेंगे क्योंकि वो भी अभी नया बना है, लेकिन आप लोग गलत होंगे तो इसलिए आपको क्लास कंटिन्यू करना है। चलिए फास्ट, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश भारत में अभी दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव बना, ये दोनों पहले अलग अलग थे, ये दोनों अभी दोनों एक हो गए, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट 65 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के थे? राज्य कुछ है, ऑप्शन ए बिहार के, ऑप्शन बी असम के, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र के। टाइम शुरू हो चुका है। मतलब आज़ाद भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले राष्ट्रपति किस राज्य से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी महाराष्ट्र। चलिए जल्दी, और 5 क्वेश्चन बचा है। गुड जोश, टाइम अप। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के थे,
ऑप्शन ए वाले सी बिहार। नेक्स्ट 66 मोस्ट वीवीआई, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिसंबर के चौथे रविवार को, ऑप्शन बी 16 जुलाई को, ऑप्शन सी 16 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी नवंबर के चौथे रविवार को। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी का जितना भी क्वेश्चन या फिर डिफेंस का क्वेश्चन है वो सब मोस्ट वीवीआई है, आप नहीं बताएंगे मुश्किल, सिलेक्शन मुश्किल, इसलिए आप सारे अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 1600 से भी ज़्यादा आपको पढ़ा दिया हूँ, ओरिजिनल जो कहीं नहीं मिलेगा। तो क्लास आप डेली करेंगे, शाम में 8 बजे डेली होती है, ठीक है, फुल ईयर पूरे साल 8 बजे, बाकी सुबह में चलते रहती है। तो एनसीसी दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, ऑप्शन डी वाले सही, फोर्थ संडे लिखना ठीक है ऑफ नवंबर। 67 महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहनदास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए फास्ट। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? ऑप्शन मोहनदास महात्मा गांधी, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो टाइम अप। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ऑप्शन सी वाले से। अभी इसमें भी कुछ लोग गलत हैं, तो भाई आप करते क्या हो, वो अच्छे से पढ़िए इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब कुछ लोग की इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूछा है। वह जाता है ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, ऑप्शन ए ही इज गोइंग, ऑप्शन बी ही गोज, ऑप्शन सी ही वेंट, या फिर ऑप्शन डी ही गो। टाइम शुरू हो चुका। वह जाता है ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, चलिए फास्ट। ऑप्शन ही इज गोइंग, ही गोज, ही वेंट, या फिर ही गो। गुड जोश, लेकिन मैक्सिमम लोग गलत जा रहे हैं, तो आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए टाइम आप। तो वह जाता है क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन, ही गोज होगा, तो ऑप्शन बी वाले सही है, बाकी सभी गलत हो। 69 चार ट्रांसलेशन एक ही जगह पूछा था, जीवन संघर्ष है, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, ऑप्शन ए लाइफ इज अ स्ट्रगल, ऑप्शन बी लाइफ आर अ स्ट्रगल, ऑप्शन सी लाइफ इज अ वार, या फिर ऑप्शन डी लाइफ इज हार्ड। टाइम शुरू हो चुका। जीवन संघर्ष है, ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, चलिए फास्ट। तो बच्चा इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना इंग्लिश का आप कोई फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी सारे फॉर्म्स मैक्सिमम इंग्लिश में ही आते हैं। जरूर नहीं पढ़ते, आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए टाइम आओ। तो जीवन संघर्ष का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा लाइफ इज अ स्ट्रगल, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पांच बिल्ली पांच चूहे को 5 मिनट में खाती है, तो दो बिल्ली दो चूहे को कितने मिनट में खाएगी? ऑप्शन ए 10 मिनट में, ऑप्शन बी 8 मिनट में, ऑप्शन सी 5 मिनट में, या फिर ऑप्शन डी 2 मिनट में। टाइम शुरू हो चुका है। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में न्यू भर्ती में पूछा गया है, तो सभी का सही आना चाहिए। पांच बिल्ली पांच चूहों को 5 मिनट में खा जाती है, तो दो बिल्ली दो चूहों को कितने मिनट में खाएगी? अब इसमें भी कुछ लोग फंसते हैं, जो लोग ध्यान नहीं देंगे। 2 मिनट कौन कौन लिख रहा और 10 मिनट? चलिए टाइम हो। तो बच्चा पांच बिल्ली पांच चूहा 5 मिनट यानी एक बिल्ली एक चूहा को 5 मिनट में, तो दो बिल्ली दो चूहा को 5 मिनट में ही खाएगी, ऑप्शन सी वाले सही है। अभी सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही है, 70 में कितना सही है, 70 में 70 कौन है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग वैसे ही मेहनत करें। बाकी लोग कितना सही है कमेंट करके बताओ, और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप कंटिन्यू तैयारी करिए, अभी तक अपना 100% सिलेक्शन है जो भी तेजस चैनल से पढ़े रेगुलर। बाकी शाम में 8 बजे क्लास कंटिन्यू, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।